बच्चों आज अपने पाठ एक पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है हंसकर बोलो। यह एक कविता है। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और उनके उत्तर बताऊंगी। यदि कोई आपसे क्रोधित होकर बोलता है तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना, क्योंकि जो कोई भी अपने से गुस्से से बोलेगा तो अपने को वो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हंसते हुए बोलता है अपने तो उसका अपना पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई व्यक्ति अपने साथ खुशी से बात करता है, हंसकर बात करता है तो अपने वो बहुत अच्छा लगता है, अपने उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आगे है इस पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ में क्या है? मनुष्य की बातें में व्यवहार उसके व्यक्तित्व का दर्पण है, यानी मनुष्य की जो बातें हैं या उसका आचरण है वो उसके व्यक्तित्व का आईना है, यानी अपना आचरण है वो अपना आईना है। मीठा बोलने के साथ साथ सीधी व स्पष्ट कही गई बात से आपके मन की स्वच्छता भेज देते हैं, यानी अगर अपने सीधी बात करेंगे, स्पष्ट बात करेंगे और हंसकर मीठी बोली में बात करेंगे तो जो इसकी अपने दिल की जो अपनी अच्छाई है वो अपने सामने दूसरों को नजर आती है। और इस कविता में इन्हीं बातों पर जोर दिया गया है। अब अपने इस कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। मिश्री यानी मिठास, यानी जब भी अपना बोलना है तब हंसकर बोलना और अपनी बातों में एक मिठास घोलनी है। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। सच सच यानी सत्य, सच यानी सत्य होता है, और रच रच, रच रच यानी बना बना कर, कि अपने जब भी बोलना है तब सत्य ही बोलना है, झूठ कभी भी नहीं बोलना, और कभी भी बातों को बढ़ाकर नहीं बोलना, उनको बनाकर नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। यानी जब भी बोलना है झुककर, यानी आदर से, प्रेम से, प्यार से, और सोच समझ कर रुक कर, यानी रुक कर, थोड़ा थोड़ा रुक कर, धीरे धीरे आराम से बोलना है अपने को। यानी इसमें कहा है कि जब भी बोलो तब आदर से, प्रेम से बोलो, और सोच समझ कर धीरे धीरे यानी रुक रुक कर बोलो। अपने मन की बातें खोलो, जब बोलो तब हंस कर बोलो, यानी अपने दिल की बातों को खोलना है, जो आपके दिल में बातें हैं उनको बताना है स्पष्ट। और जब भी बोलो तब हंसकर बोलो। और यह कविता किसने लिखी है? यह कविता सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखी है। किसने? सोहन लाल द्विवेदी जी ने। और इसमें बूंद बूंद ज्ञान क्या है? प्रसन्नता सभी सद्गुणों की माँ है, यानी जो खुशी है, जो अपनी मुस्कान है, वही अपने अच्छे गुणों की पहचान है। और इस पाठ, ये पाठ क्या संदेश देता है अपने को? ये पाठ हमें मीठा बोलना, हंसकर बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना, सोच समझ कर बोलना, धीरे धीरे बोलना, ये संदेश देता है। अब इन इस कविता को आप याद करोगे और इसे सुनाओगे। बच्चों मैं आपको पाठ एक जो कविता उन्होंने पढ़ी है उसके अभ्यास कार्य को समझाऊंगी, और तो ये कैसे काम कॉपी में करना है और कौन सा बुक में करना है यह भी बताऊंगी। तो इसमें आपको सबसे पहले अर्थ जाने, यानी शब्द अर्थ, ये आपको बुक से ही लर्न करने हैं। मिश्री, मिश्री यानी मिठास, रच रच, बना बनाकर, उसके बाद क्या है, पठन और श्रुतलेख। उसमें क्या है, सबसे पहले शब्द, पठन यानी पढ़ना, और श्रुत यानी सुनना, सुनकर लिखना। इसमें सब पहला शब्द है हंसकर, फिर है झुक कर, रुक कर, समझ कर, मिश्री। ये अपने आप पेरेंट्स की सहायता से इसे लिखकर देखोगे और इन्हें पढ़ोगे अच्छे से। उसके बाद है पाठ से, यानी इस पाठ में आपको दो प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, एक मौखिक एक लिखित। तो आपको पहले मौखिक प्रश्नों के बारे में बता रही हूँ। तो
तो इसमें क प्रश्न है, यह कविता किसने लिखी है? यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। ख पर क्या है, कविता कवि ने कैसी बोली बोलने को कहा है? कवि ने हंसकर मीठी बोली बोलने को कहा है। इसी तरह लिखित प्रश्न है दो। उसके बाद है नंबर थ्री पर, कविता की पंक्तियां पूरी करें, यानी खालिस्तान है ये। तो इसमें है जब बोलो डैश तब हंसकर बोलो, डैश रच रच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो, अपने मन की बातें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। शब्दार्थ आपको बुक में से ही लर्न करना है, ये प्रश्न उत्तर और खालिस्तान ये आपको कॉपी में करना है, आपने कॉपी में कैसे काम करना है। तो आपने पहले सेकंड क्लास में 5 लाइन की कॉपी में काम किया था, लेकिन अब आपको 2 लाइन की कॉपी में काम करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करेंगे, साइड में HW या CW डेढ़ लगाओगे आप। उसके बाद आप पाठ एक, अपने पाठ एक करने जा रहे हैं ना, तो उसके बाद उसका शीर्षक लिखेंगे आपने, शीर्षक यानी उसका नाम, पाठ का नाम लिखेंगे हंसकर बोलो। उससे अगली लाइन में अब अपने प्रश्न उत्तर की हेडिंग लिखेंगे। तो अब आपके प्रश्न उत्तर भी 2 प्रकार के हैं, मौखिक और लिखित। तो नंबर 1 डालकर मौखिक, पहले अपने मौखिक प्रश्न करने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले प्रश्न क, यह कविता किसने लिखी है? तो उत्तर, यह कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। तो देखो मैंने प्रश्न एक लिखा, उत्तर लिखा, तो उसके बाद मैंने देखो एक लाइन छोड़ी हुई है ना, तो आपने भी प्रश्न 2 को करने से पहले एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आप प्रश्न ख लिखेंगे कि कवि ने कैसी बोली बोलने को कहा है? उत्तर, कवि ने हंसकर मीठी बोली बोलने को कहा है। फिर मैंने एक लाइन छोड़ दी, यानी आपको एक प्रश्न एक उत्तर, इन एक प्रश्न का उत्तर दोनों लिखकर फिर एक लाइन छोड़कर अगले प्रश्न को लिखना है। पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान देंगे, बच्चों को काम करवाएंगे तो प्रश्न उत्तर के बाद एक लाइन उन्हें छुड़वानी है। उसके बाद नंबर 2 पर है लिखित, फिर इसी तरह मैंने प्रश्न को उसका उत्तर लिखा है। अब प्रश्न ख देखो, मैंने प्रश्न ख भी लिखा है, उत्तर लिखा है, फिर मैंने एक लाइन छोड़कर फिर मैंने इस पाठ की खालिस्तान यानी पंक्तियां पूरी करें को लिखा है। उसके 4 लाइनें हैं खालिस्तान की, तो चारों लाइनों को लिखा है। आपने कॉपी में प्रश्न उत्तर और खालिस्तान को ही करना है, बाकी जो बुक की एक्सरसाइज है और शब्दार्थ है वो आपने बुक में से ही लर्न करने हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न यानी MCQ करवाने जा रही हूँ। इसमें प्रश्न है, दिए गए समूह के सामने उनके 3 अर्थ लिखे हैं, सही अर्थ पर सही का निशान लगाएं। यानी कि आपको एक लाइन दी गई है, उसके 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको जो सही है उस पर टिक का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो देखो क पर क्या दिया हुआ है, मिश्री सी गोलो, तो आपको कविता में मैंने समझाया था, तो इसमें देखो 3 ऑप्शन है, कौन सा सही अपने देखते हैं। मिश्री का घोल बनाओ, या मिठास बनाए रखो, मिश्री के समान घुल जाओ, यानी इसमें ये था ना कि आप मीठा बोलो मिठास बनाए रखो, तो इसमें जो सेकंड पॉइंट है उस पर अपने टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह ख पर देखो, कभी न बातें रच रच बोलो, इसमें देखो नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है, कभी भी रुक रुक कर न बोलो, कभी भी बातें बनाकर न बोलो, अच्छी बातें कभी न बोलो। तो आपको कविता में बताया गया था रच रच यानी वर्ड मीनिंग में भी आपके बनाकर, तो इसका भी सेकंड ऑप्शन सही है, कभी भी बातें बनाकर न बोलो, तो सेकंड नंबर पर उसके सामने टिक लगा। उसी तरह ग पर देखो, झुककर बोलो, इससे
इसमें क्या है, झुककर बोलना, आपको बताया था मैंने कैसे बोलते हैं, यानी किसी सामने झुकना नहीं होता, आदर से होता है, प्रेम से होता है, नम्रतापूर्ण विनम्रतापूर्ण होता है ये। तो इसमें तीन दिए हैं, देखो अपने ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसके। नंबर वन पर है नम्रता पूर्वक बोलो, नंबर टू है गर्दन झुकाकर बोलो, और नंबर थ्री पर है दूसरों के कान में बोलो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नंबर वन पर है जो नम्रता पूर्वक बोलो, इसको टिक का निशान लगाएंगे अपने, ठीक है। अब है नंबर घ, घ पर क्या है रुक कर बोलो, तो इसको भी आप ध्यान से देखो तीनों पॉइंटों को, बातें करते समय रुक रुक कर बोलो, बीच में न बोलो, एक जगह खड़े होकर बोलो। तो इसका मतलब रुक कर बोलो तो यही होगा कि बातें करते समय रुक रुक कर बोलो, तो नंबर वन पर ही टिक का निशान आएगा इसमें भी। अब उसके बाद अना, अना पर क्या दिया हुआ है मन की बातें खोलो, तो इसके भी अपने तीनों ऑप्शनों को पढ़ते हैं। मन की बातें साफ साफ दूसरों को बताओ, मन की बातें मन में समझो, मन की बातें जोर जोर से बोलो, यानी इसका सही आंसर क्या है, मन की बातें साफ साफ दूसरों को बताओ, तो नंबर वन पर ही टिक का निशान आएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन बुक में ही फिल करना है और बुक से ही लर्न करना है, आप इसे अच्छे से पढ़कर और लर्न करके देखना और इन्हें करके देखना आप। उसके बाद एक क्वेश्चन और है मूल्य परक प्रश्न, यानी ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। इस क्वेश्चन में क्या है, बात करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको इस कविता के माध्यम से बताया गया था ना कि आपको कैसे बात करनी चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। तो इस प्रश्न में अपने वही ध्यान रखना है कि अपने को किसी भी दूसरों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, किसी के साथ भी आप बोलते हो तो मीठी बोली में बोलना है, आराम से बोलना है, जल्दबाजी में आपने नहीं बोलना, सोच समझकर आराम से बोलना है उनके साथ, और हमेशा सच बोलना है और झूठ नहीं बोलना, बातों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। समझ आया बेटा आपको अब? चलो तो आप इस बातों का ध्यान रखोगे आगे से। थैंक यू।